तो कैसा लगा आप सभी का आज का प्रीव्यू सैड स्टेटस वीडियो, आप सभी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। सो दोस्तों, अगर आप लोग कुछ इस प्रकार का सैड स्टेटस वीडियो अगर बनाना चाहते हैं तो आप सभी इस वीडियो को पूरे ध्यान से एंड तक देखिएगा तो आप लोगों को पूरी कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को अलाइट मोशन की मदद से एडिटिंग करके दिखाने वाला होगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो आप सभी को सबसे पहले अपने मोबाइल में से अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। तो आप सब यहाँ पर देख सकते, मैंने पहले से अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके रखा। तो अब दोस्तों, आप लोगों को प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आप सभी मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। वहां पर दोस्तों आप लोगों को दो लिंक मिलेगा, एक मिलेगा सॉन्ग बीटमार्क प्रीसेट, दूसरा मिलेगा सेक इफेक्ट प्रीसेट। ओके, तो आप लोग उन दोनों को अलाइट मोशन में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करते ही दोस्तों आप सभी को देख सकते हैं अलाइट मोशन कुछ इस प्रकार का दो जो है ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले जो सॉन्ग बीटमार्क है उस सॉन्ग बीटमार्क वाले पर इस तरीके से क्लिक करना होगा। सॉन्ग बीटमार्क वाले पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आप लोग कुछ इस तरीके से ऊपर स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते जो लिखा इमेज 9:16 इस पर टच करना है। कलर एंड फिल्म में जाना, नीचे स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर जिसका भी इमेज और फोटो से दोस्तों आप लोग बनाना चाहते हैं आप सभी को यहाँ पर उसको इमेज को ऐड करना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने इमेज को ऐड कर दिया। इमेज ऐड करने के बाद इस प्लस पर क्लिक करना है। फिर से दोस्तों आप लोग को अगला ये देख सकते जो ये लिखा है इमेज 9:16 इस पर टच करना है। कलर एंड फिल्म में जाना, नीचे स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से आप लोगों को इमेज को ऐड करके प्लस पर क्लिक कर देना है। फिर से आप लोगों को अगला पर टच करना है। कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से आप लोगों को इमेज को ऐड करके प्लस पर क्लिक करना है। फिर से आप लोगों को अगला पर टच करना है। कलर एंड फिल्म में जाना, स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से आप लोगों को इमेज को ऐड करके प्लस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं फिर से अगला लेयर है, तो अगला लेयर पर टच करेंगे, कलर एंड फिल्म में जाएंगे, स्टार वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से इमेज को ऐड करेंगे। ठीक है, फिर से आप लोगों को अगला लेयर पर टच करना है। कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से आप लोगों को यहाँ पर इमेज को ऐड करके प्लस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर से आप लोगों को अगला लेयर पर टच करना है। कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से आप लोगों को यहाँ पर इमेज को ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आप सभी को कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर जितना जो लेयर है इन सभी लेयर पर आप लोग कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को पहले लेयर पर टच करना है और यहाँ पर देखते जो कलर एंड फिल का ऑप्शन है इस पर टच करके स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों आप सभी को इमेज को इस प्रकार से ऐड करके प्लस पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों यहां पर मैं फटाक से आप लोग देख सकते हैं यहां पर मैंने सभी पर कर दिया हूं। आप सबको भी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर सभी पर कर देना होगा। ठीक है, देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सभी पर कर दिया। उतना हो जाने के बाद अब आप सभी को दोस्तों कुछ इस प्रकार से एक बार बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद जो सेक इफेक्ट आप सभी ने अभी इंपोर्ट किया था डिस्क्रिप्शन से, आप लोगों को सेक इफेक्ट में इस तरीके से चले जाना। ठीक है, सेक इफेक्ट में जाने के बाद अब आप लोग यहाँ पर देख सकते जो प्लस का आइकन है इस प्लस पर क्लिक करना है। आप लोगों को सिलेक्ट ऑल लेयर कर देना होगा। ठीक है, इतना होने के बाद फिर से प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते जो लिखा है कॉपी 3 लेयर्स इस पर टच करना है। ठीक है, इतना होने के बाद फिर से आप लोग को एक बार बैक आ जाना है। इस प्रकार से जो आप लोगों ने सॉन्ग बीट मार्क में फोटो को ऐड किया था उस सॉन्ग बीट मार्क को आप लोगों को इस तरीके से ओपन करना। ओपन हो जाने के बाद अब आप सभी को इस प्लस पर क्लिक कर देना होगा और दोस्तों यहाँ पर देख सकते जो लिखा है पेस्ट 3 लेयर्स इस पर टच कर देना। इतना कर देते ही अब दोस्तों आप सभी के लिए ये वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद और इमेजिंग भी लगा होगा। तो आप सभी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो जब हमारे न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर कल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हम इसी तरीके के वीडियो जब भी कोई डालेंगे तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के मोबाइल में पहुँचेगा। तो इस वीडियो को मोबाइल में सेव करने के लिए ऊपर एरो वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आप सभी एक्सपोर्ट पर क्लिक करके आप सभी एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते कुछ इसी प्रकार के एक नए कमाल और बेहतरीन धमाकेदार और ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो एडिटिंग के साथ।